तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग करते हैं भयंकर। बोलो जय शिव शंकर। और आज हम लोग आए हैं केवायर निकलवाने के लिए, तो देखते हैं आज निकलती हैं केवायर या नहीं निकलती हैं, पूरा कुछ अपडेट कर देंगे। इस समय है चारबाग स्टेशन पर, और चारबाग से जाना है हम लोगों को KGMU नहीं लाल बहादुर शास्त्री जाना है। हाँ, डालीगंज वाले भाई, KGMU ही है वो भी, उसी का ब्रांच है। और दिखाते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे आगे। तो यहाँ से चारबाग स्टेशन से हम लोगों ने टेम्पू लिया है, जो कि हम लोगों को मेडिकल कॉलेज छोड़ेगा, और वहाँ से हो सका तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा डालीगंज पुल के लिए। और डालीगंज पुल पर जो हॉस्पिटल है KGMU का, वहाँ हम लोगों को जाना है OPD के लिए। तो देखते हैं कि आज हमारी केवायर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी बोलें भैया। और यहाँ पर ऑटो पर बैठ चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर है, तो जाने में देखो कितना समय लगता है। अभी सवारियाँ भी भरेंगे ये, और आज वायर निकले वो तो प्रे कर रहे हैं कि निकल जाए सब कुछ अच्छा भी से। मेरा भी थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा पेन हो रहा है नी पे, तो वो भी हमें दिखाना है, वहाँ देखते हैं कितना समय लगता है। सारी अपडेट देते रहेंगे आपको, देखते हैं आज क्या होता है वहाँ पर। बने रहें वीडियो पे, आगे का अपडेट उसी समय के बाद बताते हैं। और तुम लोग यार लाइक कर लिया करो यार, कम से कम लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है। लाइक नहीं करते हो इसे देख के चले जाते हो, वीडियो लाइक किया करो भाई। नहीं, ये जो देख रहा है ये वीडियो लाइक करेगा भाई, हम तो करेंगे। यह है मेडिकल कॉलेज, और इसी की संस्था जो है, जो कि डालीगंज में है, वहाँ हम लोगों को जाना है। और ये हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुँच चुके हैं। तो हम लोग ऑटो से टेम्पू से उतर चुके हैं और मेडिकल कॉलेज पहुँच चुके हैं, और मेडिकल कॉलेज से हम लोगों को जाना है डालीगंज। जो डालीगंज देखने के लिए कहाँ क्या माहौल है, कैसा क्या होगा, कहाँ पर भेजेंगे, अभी किसे मिलना है वहाँ पता करेंगे। हम लोग पहुँचेंगे डालीगंज, वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट होगा। और जो भी जैसे जिस तरीके से केवायर निकाले जाएंगे सारा कुछ आपको दिखाएंगे, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। बट हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, जब केवायर निकाला जाएगा तो दर्द बहुत होगा। देखते हैं कितना दर्द होता है, कितना नहीं दर्द होता है, सारा बताते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, देख लो ट्रेन में कितना बैठने लायक माल बना हुआ है। और उसकी बात यह रही कि पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद भी हम लोग मेरे केयर के वायर नहीं निकले, और भैया भी काफ़ी परेशान हुए हैं, बहुत गलत गंदा फील हो रहा है। तो अगर आपको ये ज़्यादा भीड़ है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, दबे कुचले बैठे हुए हैं, बट जो भी है आप लोगों के सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और लग ही नहीं रहा है कि ये पद्मावत सद्भावना है, ये तो ट्रम्मा लग रहा है, ट्रम्मा। ये जो ट्रेन चल रहा है ये ट्रेन ट्रम्मा लग रहा है। मेरे भैया हैं, बड़े सम्मानित भैया हैं, काफ़ी बार लोगों से मेरा हाथ बचाया। जिस चीज़ के लिए गया था मैं, फाइनली वो नहीं हो पाया, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। तो मिलते हैं अगले मंडे को फिर एक लखनऊ ट्रिप पे।
देखते हैं, आई होप नवाबों के शहर में इस बार काम बन जाए।